थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलूंगा, क्योंकि आप लोग जिन्हें सुनने आए हैं उन्हीं को सुनेंगे आप। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे चूरू लोकसभा में सभी जनता की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आदरणीय हमारे यशस्वी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, सम्मानित मंच, मैं तो मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय आपने जो मुझे अवसर दिया, ये आपने किसानों को अवसर दिया है, ये आपने दिव्यांगजन को अवसर दिया है। जो 7 करोड़ लोग देश में हैं वो आपका मान सम्मान करते हैं। पहली बार जनसभा में इतने दिव्यांगजन है, ये पूरी इधर साइड वाली रो पूरे आपका स्वागत करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं 2 साल पहले आपने स्वागत किया था, सत्कार किया था, मैं तो खिलाड़ी आदमी था, समझा नहीं बात को। आपने कहा था देवेंद्र आपको अहम जिम्मेवारी देंगे, मैं तो उस दिन समझा नहीं था, अब मेरा समझ में आया ये। मैं तो किसान परिवार से हूं, आज मैं यहां बैठा हूं, मेरी माँ वहां फसल काट रही है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी बात है। डोर टू डोर जा करके मैं मिला हूं लोगों से, यहाँ की समस्याएं देखी हैं, क्योंकि मैं तो किसान फैमिली से हूं, युवाओं की बहुत उम्मीद है यहाँ पे। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज तक आपने कभी भी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी एक मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, चूरू में हर घर पानी पहुंचे और हर खूट में पानी पहुंचे, ये मेरी मांग है, ये जनता की मांग है। यहाँ नहर आनी चाहिए, यहाँ किसान की जरूरत है। और मुझे तो ये भी पता है भाई कि किसानों के क्या क्या प्रॉब्लम है। तारा जोलो मार जा तो समस्या हुआ, तारा फसल न पाड़ो मार जा तो समस्या हुआ। सारी हर समस्या लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में जाऊंगा और तारी हर समस्या को समाधान करेंगे, ये मने उम्मीद है। यहां रेल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तारानगर सरदार से रतनगढ़ सुजानगढ़। मैं इतने लोगों की तरफ से बात रख रहा हूं कि यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और ये लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है। हर बात कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ज्यादा समय न लेकर के मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, आपकी हर बात लोकसभा में उठाऊंगा। खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर है, वो बढ़ाए जाएंगे, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और मेरे पे तो यहां आकर के मुझे पता चला, कि आपका घर घर में जो योजनाएं पहुंची हैं, लोग आपका बहुत आभार जता रहे हैं। और आप पुणे में कहना चाहता हूं, आप यहां चूरू की धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद।